غالباً سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله بل آخرون يقاتلون في سبيل الله فكروا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين नमाज पढ़ ली तुमने? जी हमने पढ़ लिया, पर पता है अभी भी इतनी नींद आ रही है। खबरदार जब सोई तो, तुम्हारे बाबा आने वाले हैं बच्चों को पढ़ाकर नाश्ते के लिए। नहीं सोती, एक तो बाबा साहब की तलवार हर वक्त सर पर लटकी रहती है। अब प्लीज तुम लेक्चर देना मत शुरू कर देना। अरे भाई मुआज मियां, ये किस बात की मिठाई है? सूफी साहब, ये तो आपकी दुआएं हैं कि मैं आपके सामने मिठाई लाने के काबिल हो सका। अरे भाई मुआज मियां, कुछ पता तो चले ना। और बेटा दुआएं तो मैं सबके लिए करता हूँ, अब अगर मेरी दुआओं में इतना असर होता तो मेरी अपनी औलाद को ना लगती। डॉक्टरी के पहले साल में बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हुआ हूँ सूफी साहब। अरे ये तेरी अपनी मेहनत है, जिद्दोजहद है तेरी और साबित कदमी का इनाम है। नहीं सूफी साहब, वो जैसे बेजड़ पौधे को जिस तरह आपने जगह दी है खड़े होने की, फलने फूलने की, अगर आपका हाथ मेरे सर पर ना होता तो शायद आज मैं कहीं मजदूरी कर रहा होता या नशे का आदि हो चुका होता। अरे मुआज मियां, अल्लाह ताला जानता है किससे क्या काम लेना है और किस तरह उस काम के असबाब पैदा करने हैं। ये तेरी सादत बंदी है बेटा। अब छुट्टी पे आए हो तो कुछ दिन रहोगे ना? छुट्टी कहाँ सूफी साहब, छुट्टी हो भी तो पढ़ना तो पड़ता है। आपको तो पता है कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूशन में छुट्टी तो नहीं हो सकती। भाई मैं तो तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि ये पढ़ाई बहुत महंगी है, डॉक्टरी की पढ़ाई महंगी है क्या? जी सूफी साहब बहुत महंगी है। मैं इसीलिए आपके पास हाजिर हुआ था। पिछली बार भी आपने बड़े शाची से कहके मेरी कुछ मदद करवा दी थी, अगर इस बार भी आप से कहकर कुछ मदद करवा दे तो। अब मालमिया, शाहू के मिजाज ना जाने कब सख्त हो और कब सख्त तरीन, लेकिन बहरहाल अच्छा याद दिलाया तूने। वो बड़े शाह जी ने मुझे बुलाया है हवेली में किसी काम के लिए, तो चल मेरे साथ थोड़ी देर बाद, बात करके देख लेते हैं। जी जैसे आप कहें। मिठाई में अम्मा जी को। सूफी साहब आप इजाजत हैं तो मैं अम्मा जी को मिठाई खिला दूं? मैं किसी बच्चे को बुलाता हूँ, उसके हाथ अंदर भिजवा दो और दरवाजे के बाहर खड़े होके अम्मा जी से भी बात कर लो। जी जैसे आप कहोगे। Thank you.
यहाँ बैठे हो अब्दुल मोमिन? क्यों, इधर बैठने पे टैक्स पड़ता है क्या जो पूछ रहे हो? अरे यार ऐसे ही पूछ रहा था, इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ले मैं तेरा कुछ लेके भागा हूँ या तूने मेरे से कर्ज लेने से मुझे ढूंढ रहे हो? ऐसी बातें नहीं है यार, काफी अरसे के बाद आया था, सोचा तुझसे मिल लूं। यार मार देख, ना हमारी दोस्ती है ना कोई रिश्ता, तो क्या फायदा? किसका केस बना रहे हो? दिखाओ। अपनी बदकिस्मती का, वो भी अधूरा देखना। इतने नाराज क्यों है यार? चलो तुम ऐसा शहर चलो। शहर चलो ताकि तो जाके पढ़ूं लिखूं और काम करूं, एक अच्छा आदमी बनूं, बिल्कुल तेरी तरह। हरगिज नहीं, मैंने कसम खा ली थी कि जो भी चीज बाबा साहब को खुश करती है वो मैंने करनी ही नहीं, चाहे मेरी अपनी जिंदगी खराब हो जाए। अब्दुल मोमिन ऐसा नहीं सोचते, ऐसी बातें नहीं करते यार। जोहर की अजान हो रही है, चलो मस्जिद में चल के नमाज। नहीं नहीं यार मैंने नहीं जाना, खुद ही जा नमाज पढ़ और जो मर्जी। अरे रबिया वो मिठाई की प्लेट ले आओ जो मास दे गया था बेटा। वो खुद ने आया था? नहीं वो किसी बच्चे के हाथ भिजवाई थी, वो तो मैं दरवाजे के पर्दे के पीछे से मास को मुबारकबाद देने चली गई थी। अच्छा किया। उस घड़ी बहुत याद आई मुझे अब्दुल मोमिन की, जब मास की कामयाबी का सुना था। इसको हसद कहते हैं हाजरा बीबी, और हसद बिल्कुल उसी तरह नेकियों को खा जाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को। खुदा ना खास्ता मेरा ये मतलब नहीं था सूफी साहब, मैं तो बस अब्दुल मोमिन को मत नाम लो शैतान का। वो इंसान होता तो कुछ बनता ना, हैवान है, हैवान रस्सियों से बांधा है, जंजीरों से जकड़ा, हतुल मकदूर सरजनश की, मगर उसकी बदनसीबी देखो कि अल्लाह का पाक कलाम उसके सीने में नहीं समाया, इतना तंग सीना है उसका। समझ आ जाएगी वक्त के साथ साथ सूफी साहब। अब क्या समझेगा वो, अरे दाढ़ी मूंछ आ गई उसकी, अब उसे सिर्फ वक्त समझाएगा। ना मुराद कितनी शर्मिंदगी दिलाई उसने मुझे कारी अब्दुल हफीज से, कितनी मेहनत की उसने इस खबीज पर, और ये आधे रास्ते में उस पाक कलाम को छोड़कर भाग गया। कुत्ते की तरह फिरता रहेगा सारी जिंदगी और उसे कुछ मिलने वाला नहीं है हाजरा बीबी। ऐसा ना कहें सूफी साहब, आप खुद तो कहते हैं कि माँ बाप की बद्दुआ औलाद के हक में बड़ी जल्दी कबूल होती है, मैं समझाऊंगी उसे। अरे समझा चुकी तुम, ये सब तेरे लाड प्यार और तेरी थुड़तली की वजह है कि वो यहां तक पहुंचा। ना स्कूल ना मदरसा ना कसब ना हुनर, रोएगा एक दिन इस वक्त को याद करके। और ये तुझे सर पे ढंग से दुपट्टा लेना नहीं आता? अरे चादरें बना के दे इनको बड़ी, नंगा सर शैतानी ख्यालात को दावत देता है। मैं जा रहा हूं वो शादी की तरफ, रात का खाना मेरा वहीं है। आए बाबा ने तो घर को भी मदरसा बना लिया, ना खुल के सांस ले सकते हैं ना अपनी मर्जी से चल फिर सकते हैं। रबिया अम्मी क्या फिलहाल ये रखो, सुल्तान बख्त की शादी के बाद आना, फिर कुछ कर दूंगा। शुक्रिया शाहजी। हाँ 3 दिन हैं सुल्तान की शादी में, तुम अब शादी में शिरकत करके ही जाना। अब पर मैं तो
वर्षा जी क्यों नहीं, जरूर शामिल होगा अब। अल्लाह ने ऐसा खुशी का दिन दिखाया है। तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है खुशी? कुछ भी नहीं जी, हिफ्ज भी नहीं कर सका और अपनी तालीम भी नहीं। तो उसे किसी काम धंधे पे लगाओ ना, उसने पढ़ के कौन सा डिप्टी लग जाना है? सारा दिन बेनचने बैल की तरह गांव में फिरता रहता है। मैंने तो कहा है जी, लेकिन वो कहने से कुछ नहीं बनता क्योंकि करने से मामला सुधरते हैं। और तुम्हारा जलाल तो सात गांव में मशहूर है, बेटे के लिए तुम क्यों नरम पड़ जाते हो? नहीं शरीफ, ऐसा नहीं है, मैंने तो कोशिश की है लेकिन वो। कल से उसे हवेली भेजना, 10 काम हैं यहाँ करने वाले। शादी के मौके पे तो जितने काम हो कम पड़ते हैं जी। अच्छा जी। अच्छा वो अल्लाह रखा वो गेहूं की बोरी तुम्हारे घर दे आया था? शाजी बड़ा करम है आपका, बड़ी नवाजिश है आपकी कि आप मुझ जैसे नाचीज पर इतने मेहरबान हैं। आप ना होते शाजी तो। अच्छा ठीक है ठीक है, अब तुम लोग जाओ, मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं इस 5,000 के चेक के लिए आया था? इससे मेरी कौन सी जरूरत पूरी होगी? और ये सच है, मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं आया था, मैं तो ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। अगर सूफी साहब को पता चल गया तो मेरी काल के जूते बनवा लेंगे। इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है कि पहना जा सके। अम्मी आप मेरी बात सुन रही हैं? रबिया तुम मेरा पिछली ईद वाला ग्रीन सूट पहन लो। आमना तुम शायद भूल रही हो, तुमने वो ड्रेस पिछली नहीं उससे भी पिछली ईद पर बनवाया था। और वैसे भी तुम कौन सा प्रिंसेस हो, तुम्हारे कपड़े मुझसे ज्यादा शानदार होंगे। तो रबिया अब गुजारा तो करना है ना। पिछले एक महीने से कह रही हूँ कि कपड़े बनवा दें शादी के लिए, पूरा गांव शादी की तैयारियां कर रहा है पिछले एक महीने से। रबिया जबान को लगाम दो। किस किस चीज को लगाम दूं अम्मी? ख्वाहिशों को लगाम दूं? आप कहते हैं जुबान को लगाम दो, बाबा साहब कहते हैं कि नफ्स को लगाम दो, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरा गला ही घोंट दें। ये नेक काम तो मैं भी कर सकता हूँ बहना, इतना क्यों रोती हो? तुम तो चुप करो, अगर तुम किसी काबिल होते तो तुम्हारे बाबा साहब हर वक्त मुझे अपनी नजरों में जलील ना कर रहे होते। लो इस मसले का मलबा भी अब सारा मेरे पे ही डाल दे। अच्छा तो जाओ फिर, जाकर कमाओ, कुछ काम करो, अब तुम बच्चे नहीं रहे सूफी साहब की कमाई खाते रहो हर वक्त। अरे हाजरा ये खुद से कुछ नहीं करेगा, इसके लिए भी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ओए कल से तुम हवेली जाओगे, बड़े शाहजी ने बुलाया है तुझे, लगा देंगे किसी ना किसी काम पे। मैंने कोई नहीं जाना। मैं कुत्ती से जबान खींच लूंगा तेरी, एक लफ्ज़ तेरे मुंह से निकला तो। अरे इन शाहों का खाते हैं हम, मस्जिद की खिदमत क्या अजर देती है चंद हजार, एक एक नवाला तुम्हारे हिस्से में ना आए। तो शाहजी है जिनकी वजह से, वरना भूखा मर जाओ सब। यूं तो आप कहते रहते हैं कि हम सबको पालने वाला अल्लाह है, फिर आप शाहजी की बातें करते हैं, कहीं इस तस्बीह पे भी आप शाहजी का नाम तो नहीं पढ़ते रहते? Thank you.
आया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी। क्या मुसीबत है, सुबह से उनका सेल ऑफ जा रहा है। और यहाँ जो हजार काम पड़े वो कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? आप किस लिए ऐसे किताब? मैं तो पहले घन चक्कर बन चुकी इन दोनों घरों के दरमियान। हुसैन शाह की इकलौती बहन की शादी है, अगर इंतजाम में कोई कमी रह गई तो जाहिर है मेरी कोताही होगी। इधर बाबा जान का भी वही हाल है, कम से कम तुम्हें तो मेरा ख्याल करना चाहिए। भूल रही हैं आप ही का ख्याल है तो ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मेरा ख्याल नहीं, खानदान की बेहतरी का ख्याल। ताना दे रही हैं? नहीं, ताना नहीं दे रही, सिर्फ बता रही हूं तुम्हें कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते तुम्हारी और मेरी पैदाइश से पहले ही तय हो चुके थे। मुझे मेरी बदनसीबी बार बार क्यों याद दिलाती है? अल्लाह ना करे तुम बदनसीब हो। सालियाशा बहुत अच्छी लड़की है, समझदार है, नेक लड़की। सैयद आपा, इस उम्र की औरतें लड़कियां नहीं होती। खैर, बच्चे तो तुम भी नहीं हो। हाँ, बच्चा तो नहीं हूं लेकिन कई बरस बड़ी है मुझसे। और तुम्हारी बहन सैयद हुसैन शाह से 9 साल बड़ी थी जब इन दोनों की शादी हुई है। तुम ये क्यों भूल जाते हो सुल्तान बख्त? तुम्हारी शादी आज से बहुत पहले हो गई होती जब सालिया 23-24 साल की थी, अगर तुम्हारे सर पे स्टेज जाके तालीम हासिल करने का भूत सवार ना होता। बाबा जान, मुझे कुछ जरूरी काम है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, रात को बात होगी। देख रहे हैं बाबा जान इसके अंदाज, अगर हुसैन शाह को जरा भी भिनक पड़ गई ना इसके कामों की तो जानते मेरा क्या हशर करेंगे। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, मैंने ऐसा हल ढूंढा है कि ये अपनी सारी उड़ान भूल जाएगा। सूफी साहब बाहर मेहमानों के साथ बैठे हैं, अगर मैं ये किताबें खुद दे आऊं तो शायद आमना से बात हो सके। सूफी साहब, ये बच्चा कुछ खाता पीता तो है नहीं, इसकी माँ का ख्याल है कि शायद इसे नजर लग गई है। आप मेहरबानी करके इस पर दम कीजिए ताकि कुछ खाने पीने लग जाए। भाई अपने घर वाली से कहना कि इसको खाने की जो भी चीज दे उस पे सूरह कुरैश पढ़कर फूंक दे। बड़ी मेहरबानी सूफ साहब, इजाजत दीजिए, बहुत तासीर है आपकी जबान में। आप बैठो। ये बुक्स हैं बीए की, आपने मंगवाई थी और साथ में कुछ नोट्स भी। शुक्रिया की क्या बात है, अगर कुछ और बुक्स भी चाहिए हो तो बिना झिझक कह दीजिए। बाबा साहब बता रहे थे कि आपने बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की है, आपको बहुत मुबारक हो। जी शुक्रिया। आमना, ये
लिस्ट है रेफरेंस बुक्स की, अगर आप इन्हें यूज कर लें तो। क्या हो रहा है ये रुक्केबाजी? तेरी ये जरूरत नहीं सूफी साहब, ये तो नोट्स की लिस्ट है, मैं तो बस रेफरेंस के लिए। अरे तूने सूफी अब तो रहमान के घर को क्या समझा है, सज्जू का चौबारा है या जहां ये बेहुदा रुक्केबाजी चलेगी? मैं तुझे ऐसा नहीं समझता था, तूने मुझे क्या समझा है? सूफी साहब ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, आप किसी से भी पढ़वा ले, कोई बच्चा बाहर नहीं था तो मैं इसलिए खुद आ गया। अब तो जा यहां से, अबे जा यहां से, और आइंदा इस दरवाजे के आसपास नजर ना हो, वरना मैं जरा लिहाज नहीं करूंगा। चल जा सूफी साहब, आप अबे चल जा, निकल जा, निकल। हाजरा बीबी। जी 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 सूफी साहब। नींद की गोलियां खा के सोई पड़ी रहती हो तुम? अरे कुछ पता है तेरे इस घर में क्या हो रहा है? क्या हुआ सूफी साहब, मैं तो अंदर आपके कपड़े इस्त्री कर रही थी। आमना को बुला, बुला उसे। आमना, आमना। सूफी साहब बाहर मौलवी साहब आए हैं शहर से, आपको बुला रहे हैं। मैं आकर बात करता हूँ। अरे समझा देना अपनी बेटी को, मैं ये बेपरदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इलाज बहुत अच्छी तरह आता है मुझे, आकर करता हूँ बात। अब्दुल मोबीन, सूफी साहब का बेटा। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ क्या कर रहा हूँ? बड़े शाहजी ने बुलाया था काम के लिए। काम के लिए बुलाया था तो बाहर जाके मारो, यहाँ नजर ना मुझे दबा दो। ये नायत आपकी है।
कहें। ऐसा नहीं बेबी, ऐसे कहो। ठहरा है समा, हम तुम है यहाँ। ऐसे कहो। एक सेकंड मास्टर जी। मॉम, मुझसे नहीं होगा ये सब। आपको तो पता है मैं गाना नहीं गा सकती, ना सुर है ना आवाज है, मुझसे नहीं होगा। तो फिर क्या करोगी मेरी जान? कुछ ना कुछ तो करना है ना। हमारी जिंदगी में यही तो है, आवाज और बदन। तीसरा और कोई जरिया आमदन है ही नहीं हमारा। तुम समझती क्यों नहीं? But mom, times have changed. आजकल कौन ये तबला हारमोनियम सारंगी रख के रियाज करता है? कितने सिंगर्स ऐसा करते हैं? आपका जमाना और था, वो चला गया है। अगर मुझे तुम्हारी फिक्र तो है ना मेरी जान, फिल्में तो खत्म हो गई, अभी ड्रामे और मॉडलिंग बची है। कितना दुख होता है मुझे, जब तुम्हारा इश्तिहार चला था, कितना हिट हुआ था वो, ऐसे लंबी लाइन लग गई थी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की, तुमने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्यों मॉम, आपको हर माह उतनी रकम तो मिल जाती है जितनी मैं उन तीन इश्तहारों के हिट होने के बाद कमा रही थी। क्या सोचा है तुमने? क्या गारंटी है तुम्हारे पास कि शाजी का इल्तिफात तुम पे यूं ही रहेगा? आज मौत मार दे उसे तो कहां होगी तुम? मॉम प्लीज फैसला करो नैनतारा, फैसला। तुमने करना क्या है? अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं। ठहरा है समा, क्या हो रहा है सब कुछ? शाजी कहाँ थे आप? सुबह से अपना नंबर ट्राई करते थे, उंगलियां घिस गई मेरी, कहाँ थे बताइए? और किसी दिन तुम्हारे शाजी का फोन हमेशा के लिए बंद हो गया तो? सूफी सब कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अम्मा आप कसम ले लें, मैं जानबूझकर दरवाजे पर नहीं गई थी। आपने वो बच्चे को भेजा था मिर्चे लेने के लिए, मैं समझी वो ही होगा, और मैंने सब किताबें पकड़ी हैं। और वो रुक्का? अम्मा वो रुक्का नहीं था, किताबों के नाम लिखे हुए थे। आप ये सारी किताबें देख लें, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं। बहरहाल जाओ, इन्हें रखो अपने कमरे में जाकर, और आइंदा दरवाजे तक बिल्कुल मत जाना। तुम्हें उनके गुस्से का पता तो है, और फिर वो इस तरह की बात तो कभी भी माफ नहीं करते। हालांकि मास को वो अच्छा भला पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी हरकत, अगर बड़े शाह साहब का हुक्म ना होता ना, तो उसी लम्हे मास को चलता करते। पर आइंदा ऐसी हरकत मत करना, एहतियात करना, समझी? मेरा इंतजार कर सकती हैं सिर्फ 4 साल। कौन बख्श समझता क्या है अपने आप को? उसका ख्याल है मैं इसका एक थप्पड़ भूल जाऊंगा? कभी नहीं। अब्दुल मोबीन, तुमने खाना नहीं खाया बेटा? नहीं अम्मा, मुझे भूख है।
फारिग मुश्तंडों को भूख नहीं लगती है। सारा दिन जो एक दिन का भी न तोड़े, अरे कोई मुशक्कत करेगा तो भूख लगेगी ना। बैठे बिठाए मिल जो जाता है खाने को। बड़े शाहजी ने कहा था कि हवेली भेजा कर इसे, किसी न किसी काम से लगा देंगे। नवाब की औलाद नहीं गया। मुझे यही कहकर गया था कि मैं हवेली जा रहा हूँ। पुर्दे डालती जाओ झूठ सच के इस मलून के खातिर। हाजरा बीबी क्यों अपनी गोर काली करती है तू? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ शाशी। मैंने कब कहा कि ये सब मजाक है? तो फिर कब कर रहे हैं शादी? शादी तो हम कर ही रहे हैं शाजी। अरे भाई कहा ना जल्दी कर रहे हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ जर्मनी एक महीने के लिए। फोन करता रहूंगा मैं तुम्हें। जर्मनी कोई करीब का गांव नहीं है और वैसे भी इतने दिन में आपके बगैर नहीं रह सकती। आई नो स्वीटहार्ट कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए कह रहा हूँ जब जर्मनी से वापस आऊंगा तो फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। एक महीना मैं आपका इंतजार करूंगी लेकिन एक शर्त पर। जाने से पहले आप मुझसे निकाह करके जाएंगे। क्या? अरे नैनतारा शादी कोई बच्चों का खेल तो नहीं है? इसलिए तो मैं कह रही हूँ 2 साल हो गए हमारी मोहब्बत में ये जो छुपन छुपाई का खेल चल रहा है, तंग आ गई हूँ मैं इससे, खत्म कर देना चाहती हूँ उसको मैं। अच्छा ठीक है मैं वापस आता हूँ फिर देखते हैं। क्या हुआ ऐसे क्या देख रहे हैं? आज आप कोलकाता से इसी तरह से नहीं जा सकते। या तो आप मुझसे निकाह करके जाएंगे या फिर वापस कभी नहीं आएंगे। होश में तो हो तुम? होश ही में तो आ गई हूं मैं। ये 3 लाख रुपए का चेक है, ये रख लो और जरूरत हो तो बता देना, ट्रांसफर करा दूंगा। मैं आपकी रखेल नहीं हूं शाजी, जो पैसों से पहल जाऊंगी। मुझे आपकी रफाकत का ठोस सबूत चाहिए और आज ही चाहिए इसी वक्त, वरना ये चेक संभाल कर रखिएगा, किसी और दाश्ता के काम आएगा। सैयद आतिफ का फोन आया। सैयद वकार अगले महीने स्वीडन से आ रहे हैं, तो आते ही सैयद वकार और शरीना की शादी रखी है।
बार गांव के हर फंक्शन पर जहाँ बाबा साहब ने जाने की इजाजत दी, हम 3 सालों से यही सारे कपड़े पहन रहे हैं और अब हवेली की शादी में भी यही। मैं नहीं जा रही। तो रबिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, और तुम्हें फर्क पड़ेगा भी क्यों? तुम्हारा दिल तो है ही पत्थर का, कुछ असर ही नहीं होता उसके ऊपर। मैं तो जानती हूँ, लेकिन शायद तुम भूल गई हो कि सुल्तानगढ़ तुम्हारी मंजिल नहीं, मंजिल के रास्ते का शॉर्टकट है। देवर गुल, अगर बेटी बेच रही हो तो फिर दस्तकदार नामे पे दस्तखत भी करते हो। होश तो तुम करो, तुम्हारी बेटी से निकाह कर रहा है सैयद सुल्तान बख्त ऑफ अहमदपुर।